मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में जो एक्जिस्टेंस बताता है मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स का, और इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग द फ्लैश की मूवी के थ्रू एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसके लिए जैंडर वर्स के इवेंट का सहारा लेना पड़ रहा है उसी के इवेंट को मिटाने के लिए। वेल, फ्लैश का ट्रेलर को देखकर ये बोल सकते हैं कि यही डिसाइड करने वाला है फ्यूचर डीसीयू का, जहां पे माइकल कीटन का बैटमैन, बैरी एलन के वर्जन सुपरगर्ल और हमारा जनरल ज़ॉर्ड भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना भरोसा करना द फ्लैश मूवी से ये हैरान करता है। ट्रेलर में बैटमैन का लुक काफी जबरदस्त लग रहा है और इस सूट का डिजाइन बैटमैन हश के कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है। और दूसरी तरफ माइकल कीटन का बैटमैन भी दिखाई दे रहा है जो लास्ट हम लोग 1992 में देखे थे। तो ये फ्लैश हम सबको टाइम में पीछे ले जाने वाला, जहाँ पे पूरा इवेंट कनेक्ट होगा मैन ऑफ स्टील से। अगर तुम लोगों ने मैन ऑफ स्टील का वो मोमेंट याद होगा जहाँ पे हेनरी कैवल पहली बार मिलता है फ्लोरा एल से, वो द फ्लैश मूवी का मेन इवेंट में बदल जाएगा जब फ्लैश टाइम में सब कुछ चेंज कर देगा। क्योंकि फ्लैश के पूरे डीसीयू जर्नी में उसने अपने बचपन में ट्रेजिक होने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और उस मेन इवेंट जो पुराना डीसीयू का पार्ट है उसमें उसको चेंज करना है। ट्रेलर में बेन एफ्लेक बैरी को वार्न भी करता है लेकिन वो थोड़ी ना सुनने वाला। फ्लैश के शूट को देखोगे तो वो अपग्रेड दिखाई दे रहा है और टाइम को रिवर्स करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बट जैसे वो प्रेजेंट में आएगा सब कुछ बदल जाएगा। जनरल ज़ॉर्ड अर्थ पे अटैक कर चुका होगा और उसको रोकने के लिए सुपर गर्ल होगी। इस सुपर गर्ल को इंट्रोड्यूस करना वो भी ऐसे मूवी पे जो सब कुछ बदलने वाला है पूरे टाइमलाइन को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सुपरमैन की जगह लेने के लिए सुपर गर्ल आ चुकी है, जो कि एक फ्लैश पॉइंट कॉमिक के टाइमलाइन पे बेस्ड है। फ्लैश पॉइंट एक कॉमिक है और वो डीसी यूनिवर्स में यूनिक और अल्टरनेटिव स्टोरी बताता है, और फ्लैश पॉइंट के कुछ इवेंट इस मूवी में भी दिखाई दे रहा है। मैं वो इवेंट स्पॉइल नहीं करूंगा इसमें क्योंकि वो पूरे स्टोरी को रिवील कर देगा। देखना होगा कि कितना इंपैक्ट सुपरगर्ल का होता है फ्लैश के स्टोरी पे। ट्रेलर के कुछ शॉट में बैरी बैटमैन से मदद मांगने के लिए वही सिनेरियो दोबारा से क्रिएट करता है जैसे बैरी को पावर्स मिला था लाइटिंग बोल्ट से। ट्रेलर में मल्टीपल बैट्समैन दिखने के कारण एक्साइटमेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगा स्टोरी को लेकर, बट माइकल कीटन को द फ्लैश मूवी में वापस लाना एंटीसिपेट बन जाता है फिल्म्स के लिए। माइकल कीटन को जिस तरह से वही आइकॉनिक थीम म्यूजिक के साथ रिटर्न किया है जो एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे फ्लैश मूवी में माइकल कीटन का अपीयरेंस वो मूवमेंट होगा जो सबसे ज्यादा बात किया जाएगा। डेनी एल्फमैन ने जो आइकॉनिक म्यूजिक बनाया था उस इस मूवमेंट का भी पार्ट बन जाएगा। ट्रेलर में ब्लैन एफ्लिक के साथ बैट साइकिल भी दिखाई दे रहा है जो जॉर्ज स्क्वायर गैस्लो स्कॉटलैंड का सीन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसी लोकेशन में द बैटमैन को शूट किया गया था रॉबर्ट पैटिसन के साथ। और तो बेन एफ्लिक के साथ क्या होने वाला यही मूवी डिसाइड करेगा। इतना बोल सकते हैं कि यार बेन एफ्लिक डिजर्व करता था एक सोलो मूवी। दूसरी तरफ ट्रेलर में जनरल ज़ॉर्ड को एज अल्टरनेट विलन की तरह दिखाया है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ये एक्चुअली में इस मूवी का विलन होगा। मानते हैं कि ज़ॉर्ड अटैक करके पूरे ह्यूमन सोल्जर्स को खत्म कर देगा, लेकिन ट्रेलर के स्पीड को 0.25x स्लो करके देखोगे तीन फ्लैश दिखाई देगा। पहला तो है बैरी जिसके पास अपग्रेड सूट है, सेकंड बैरी है जिसके पास अभी पावर मिला है, लेकिन जो थर्ड बैरी है जो इस अल्टरनेट टाइमलाइन को खत्म कर देगा। अगर थोड़े डिटेल्स को देखोगे तो हेनरी एलन के कैरेक्टर को रिकास्ट कर दिया गया है। सुपर गर्ल को एज अ प्रिजन में रखा गया है, वो भी अंडरग्राउंड बंकर में, लेकिन ये जब उड़ती है तो उसके हाथ पीछे होते हैं। थोड़ा अजीब लगता है, सुपरमैन से अलग है। कुछ थ्योरी ये भी बताता है कि ज़ैंडरवर्स में ही सुपर गर्ल का रेफरेंस दिया गया था। जब हेनरी कैवल पहली बार अपने शिप को ढूंढ लेता है उसमें एक बॉक्स खुला हुआ होता था। ये शायद हो सकता था कि जैक ज़ैंडर सुपर गर्ल के लिए भी प्लानिंग किया था। ट्रेलर में पैसिफिक रिम और आई एम लेजेंड का भी रेफरेंस दिया गया है। हर बार की तरह हर सुपर हीरो स्टोरीज में पेरेंट्स के मरने के बाद पावरफुल मोटिवेटेड हीरो को दिखाया गया है। ट्रेलर में माइकल कीटन के पेरेंट्स के पिक्चर्स को देख के लग रहा है कि ये एक्चुअली में बता रहा है कि कैसे दो कैरेक्टर एक्सपीरियंस के अपने फैमिली को खोके, और ये पेन द फ्लैश मूवी में बैरी और बैटमैन के बीच में टीम अप बनाने में काम करेगा। ओवरऑल फाइनल थॉट मेरा इस ट्रेलर से ये है कि जेम्स गन ने जैसा प्रॉमिस किया है डीसी यूनिवर्स बदल देगा, और द फ्लैश का ट्रेलर डिलीवर कर रहा है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की क्या क्या चेंज करता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रेलर के कुछ इवेंट्स के एक्शन सीन्स को एकदम जबरदस्त रखा है। सुपर गर्ल को स्लो मोशन में पंच मारते हुए वो एकदम क्लियर शॉट था। थोड़ा सोच के देखो कि मूवी में और कितना एक्शन होगा। बेन एफ्लेक के बैटमैन को एक्शन करते हुए नहीं दिखाया, जो भी था ऑसम लगता है। एंड लास्ट में इतने ही बोलेंगे कि अगर द फ्लैश डीसी स्टूडियो के 10 साल में पानी डाल दे बिकॉज ऑफ एक्टर, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन डीसी फैंस अभी भी भड़का हुआ है तो कुछ भी हो सकता है इस फिल्म के साथ। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख भी ले तो ये एक्सपेक्टेशन पर खड़ा तो उतरेगा, लेकिन ज़ैंडरवर्स के इवेंट के बाद डीसी फैंस अभी भी क्रिटिसाइज करेगा। अब देखना होगा कि कैसे द फ्लैश सारे ज़ैंडरवर्स इवेंट को खत्म करता है। वेल, उम्मीद करते हैं कि फ्लैश डिसअपॉइंट नहीं करे। ट्रेलर देख के एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मार्वल की फिल्में ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर पा रहा है। जहां तक बात रही एंडमैन की मूवीज की तो उसे भी मिक्स रिव्यूज दिया जा रहा है, और डीसी के पास अच्छा मौका है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का। एट द एंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।